तो भाई ऐसा क्यों है कि थौर को अपने हथौड़ों को तीन चार बार घुमाना पड़ता था तब जाकर के वो उड़ पाता था और वही माइटी थोर बिना हथोड़े को घुमाए उड़ जाती थी तो क्या इसका मतलब ये है की माइटी थोर थोर से ज्यादा ताकतवर है सो तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं थौर जब हथोड़े को घुमा करके उड़ता था तब उसे खुद हथोड़े की फुल पोटेंशियल नहीं पता थी इवन दो उसे तो अपनी भी फुल पोटेंशियल नहीं पता थी वो भी उसके बाप को उसको बतानी पड़ी थी और वही माइटी थोर किताबी कीड़ा है और उसने एस और एस में जितने भी वेपन है उन सबकी किताबें पढ़ी हैं इसलिए उसको हथौड़े की फुल पोटेंशियल पता है